दोस्तों नमस्कार। 1969 से इसरो की साइकिल और बैलगाड़ी पर रॉकेट ले जाने की शुरुआत से लेकर एक बार में 104 उपग्रहों के प्रक्षेपण, अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंचना और चंद्रयान मिशन जैसे अनेक कार्यक्रम वास्तव में इसरो के अद्भुत और गौरवशाली उपलब्धियों के गवाह रहे हैं। आइए इसरो की प्रमुख भविष्य की परियोजनाओं पर चर्चा करें। इसरो के निकट भविष्य के लक्ष्यों में उपग्रहों के बेड़े का विस्तार करना, चंद्रमा पर रोवर उतारना, मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजना, अर्ध क्रायोजेनिक इंजन का विकास, चंद्रमा, मंगल, शुक्र, सूर्य पर मानव रहित मिशन भेजना और सौर मंडल से परे ब्रह्मांडीय घटनाओं और भारी अंतरिक्ष का निरीक्षण करने के लिए अंतरिक्ष कक्षा में एक अंतरिक्ष दूरबीन की तैनाती करना शामिल है। दीर्घकालिक योजनाओं में दोबारा उपयोग होने वाले लॉन्च वाहनों का उपयोग, भारी और सुपर भारी प्रक्षेपण वाहनों का विकास, एक अंतरिक्ष स्टेशन की तैनाती, बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून और शूद्र ग्रहों जैसे भारी ग्रहों पर मिशन भेजना और चंद्रमा और ग्रहों पर चालक दल के मिशन शामिल है। इसरो की प्रमुख भविष्य की परियोजनाएं हैं। पहला, मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम यानी कि गगनयान मिशन। इसरो एक कक्षीय चालक दल वाले एक अंतरिक्ष यान की दिशा में काम कर रहा है जो पृथ्वी की निचली कक्षा में 7 दिनों तक काम कर सकता है। यह अंतरिक्ष यान 3 लोगों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए विकसित किया जा रहा है। इसरो के गगनयान मिशन का लक्ष्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना है, जिससे भारत मानव अंतरिक्ष उड़ान हासिल करने वाला विश्व का 4वां देश बन जाएगा। दूसरा है, अंतरिक्ष स्टेशन तैयार करना। भारत एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है। इसरो ने कहा है कि भारत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा और इसके बजाय अपने दम पर अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण करेगा। उम्मीद है कि इस अंतरिक्ष स्टेशन को 400 किलोमीटर यानी 250 मील की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा और यह 15 से 20 दिनों तक 3 मनुष्यों को आश्रय देने में सक्षम होगा। तीसरा है, शुक्रयान मिशन। शुक्रयान मिशन मंगल ग्रह पर उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च करने के बाद इसरो शुक्र ग्रह पर एक उपग्रह लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जिसे शुक्रयान नाम दिया गया है। शुक्र के लिए यह मिशन 2025 के लिए निर्धारित है, जिसमें वीनस इंफ्रारेड एटमॉस्फेरिक गैसेस लिंकर यानी कि वायरल नामक एक पेलोड उपकरण शामिल होगा, जिसे फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च यानी कि CNRS और रोस्कोमोस के साथ सह विकसित किया गया है। चौथा है, सौर जांच उपग्रह यानी कि आदित्य L1। इसरो ने सौर कोरोना का अध्ययन करने के लिए एक मिशन जिसमें 400 किलोग्राम यानी कि 880 पाउंड का आदित्य L1 लॉन्च करने की योजना बनाई है। यह विजिबल और नियर इंफ्रारेड बैंड में कोरोना का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष आधारित सौर कोरोनोग्राफ होगा। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य कोरोनल मास इजेक्शन, उनके गुणों, उदाहरण के लिए उनके चुंबकीय क्षेत्रों की संरचना और विकास का अध्ययन करना है और परिणाम स्वरूप अंतरिक्ष मौसम को प्रभावित करने वाले मापदंडों को नियंत्रित करना है। पांचवा है, शूद्र ग्रह और बाहरी सौर मंडल का अध्ययन करना। दीर्घावधि में शूद्र ग्रहों और बृहस्पति के लिए भेजे जाने वाले अंतरिक्ष यान के लिए भी वैचारिक अध्ययन चल रहा है। बृहस्पति ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजने के लिए आदर्श लॉन्च विंडो हर 33 महीने में एक बार होती है। इसी के मद्देनजर रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर एनर्जी का विकास इसरो को अन्य भारी ग्रहों के लिए गहरे अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की शक्ति दे सकता है। छठा है, अंतरिक्ष दूरबीनें और वेधशालाएं, एक्सोवर्ल्ड्स। एक्सोवर्ल्ड्स इसरो, IIST और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा एक्सोप्लैनेट्स के वायुमंडलीय अध्ययन के लिए समर्पित एक अंतरिक्ष दूरबीन के लिए एक संयुक्त कार्यक्रम है, जिसकी योजना 2025 में लॉन्च करने की
बनाई गई है। सातवां है आगामी लॉन्च सुविधाएं कुलशेखरपट्टनम स्पेसपोर्ट जो तमिलनाडु में बन रहा है। कुलशेखरपट्टनम स्पेसपोर्ट भारत में एक निर्माणाधीन स्पेसपोर्ट है। इसे इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट के रूप में बनाया जा रहा है। इस स्पेसपोर्ट का उपयोग मुख्य रूप से इसरो द्वारा छोटे पेलोड लॉन्च करने के लिए किया जाएगा। आठवां और बहुत ही महत्वपूर्ण है स्क्रैमजेट यानी कि सुपरसोनिक कंबस्टिंग रैमजेट इंजन का विकास। अगस्त 2016 में इसरो ने स्क्रैमजेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। स्क्रैमजेट इंजन ईंधन के रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीकारक के रूप में वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करता है। नई प्रोपल्सल प्रणाली लंबी उड़ान अवधि के साथ इसरो के पुनः उपयोग होने वाले लॉन्च वाहन का पूरक होगी। नौवां है शक्तिशाली लॉन्च वाहन और इंजन का विकास। इसरो अधिक शक्तिशाली और कम प्रदूषणकारी रॉकेट इंजनों का विकास और संचालन पर काम कर रहा है ताकि यह अंततः अधिक भारी रॉकेट विकसित कर सके। इसरो उपग्रहों और अंतरिक्ष यानों का वजन कम करने और उनकी सेवा अवधि बढ़ाने के लिए बिजली और परमाणु से चलने वाले प्रक्षेपण यान विकसित करने की भी योजना बना रहा है और इसी का एक उदाहरण है मॉड्यूलर हैवी रॉकेट्स यानी कि भारी रॉकेट का विकास। इसरो भारी लॉन्च व्हीकलों यानी कि HLV और सुपर भारी लॉन्च व्हीकल SHLV का भी अध्ययन कर रहा है। भारी लिफ्ट श्रेणी के मॉड्यूलर रॉकेटों का एक रॉकेट परिवार को यूनिफाइड मॉड्यूलर लॉन्च व्हीकल UMLV या यूनिफाइड लॉन्च व्हीकल ULV के रूप में वर्णित किया जा रहा है जो इसरो के मौजूदा PSLV, GSLV और LVM3 रॉकेट को पूरी तरह से बदल देगा। ULV रॉकेट परिवार SCE-200 क्रायोजेनिक इंजन द्वारा स्वचालित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं इसरो को उसकी सभी भावी परियोजनाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।